बहुत ही मसरत की बात है कि मल्लेपल्ली जामे मस्जिद का एक बहुत ही देरीना मसला, जिसमें कि टॉयलेट की गंदगी और फिर बाहर शॉप्स वालों के लिए भी और आने वाले मुसल्लियों के लिए भी जितनी तकालीफें थी, अल्लाह ने यह काम यहाँ के हमारे एमएलए साहब जनाब माजी हुसैन साहब के ज़रिए से सदर साहब की हिदायत के ऊपर माजी साहब ने काफ़ी मेहनतों के बाद तमाम मलगी वालों से बात करके और तमाम जो है कमेटी के मेंबरान से और यहाँ के मुसलियान की जो तकलीफ़ें थी उस तकलीफ़ों को देखते हुए आपने ये फ़ैसला लिया कि इसका पुराना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को जो है पूरा तोड़कर डिमोलिश करके उसको फिर से नया तरह से बनाया जाएगा और इंशाल्लाह पूरे मुसलियों की सहूलत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माजिद भाई से जो काम लिया है ये बहुत ही बड़ा काम है और हम तमाम आपके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी के बाद में हम सदर साहब और माजी हुसैन साहब की बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ महल्ले वालों की जो देरीना ख्वाहिश थी और जो देरीना ज़रूरत थी उस ज़रूरत की मुकम्मल तकमील फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जान माल में उम्र में बरकत अता फरमाए और हम तमाम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। माजिद हुसैन साहब हमारे कॉर्पोरेटर्स सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये 28 साल से पेंडिंग था और ये मसला इंशाल्लाह आसानी से हल हो गया और ऐलानिया महल्ला की तरफ से मैं पूरे मीडिया का और एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम होगा और हर एक को मलगियाँ देंगे वापस और पूरा मुकम्मल काम है बिल्कुल। भाई थोड़ा पिछड़ा तो पिछड़े सब।